गौतम बुद्ध नगर में भी फिर से अस्थायी धारा 144 31 से 30 सितंबर तक लगाई गई है। ये लागू रहेगी 144 धारा। गुरु द्रोणाचार्य मेला, विश्वकर्मा पूजा, चहुल्लम पर्व को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है और ऐसे में COVID-19 की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर ये धारा 144 लागू रहेगी। 30 सितंबर तक धरना प्रदर्शन, जुलूस, चक्का जाम पर रोक रहेगी। बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, जुलूस निकालने पर कार्रवाई हो जाएगी। जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के मकसद से भी ये धारा 144 लगाई गई है। और झांसी में सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया है जो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। कहा कि गठबंधन सरकार बनाएगी जिसमें 5 मुख्यमंत्री, 20 उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे, 20 जाति के लोग होंगे। 5 साल घरेलू बिजली का बिल माफ होगा, गरीबों को मुफ्त इलाज मिलेगा, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा रहेगी, जातिवार जनगणना कराने की भी बात उन्होंने कह दी है। क्योंकि हमारा गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोगों ने बनाया है, प्रजापति की पार्टी है, पाल की पार्टी है, बिंद की पार्टी है, कश्यप की पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी है, पटेल की पार्टी है, साथ सैनी की पार्टी है। इन तमाम लोगों से हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और संकल्प मोर्चा बना करके हम जो वंचित समाज है, जैसे हंगार है, आरक है, अर्कवंशी है, बारी है, बियार है, अहिरवार है, बरार है, वाल्मीकि है, बिंद है, निषाद है, किवट है, मल्लाह है, तमाम ऐसी जातियाँ हैं जो बड़ी तेज़ी से हम लोगों के साथ अपने हक अधिकार के लिए लामबंद हो गई हैं और आने वाला कल अच्छा होगा हम लोगों के लिए। क्योंकि पहला सरकार बनती है तो 5 CM होंगे, वहाँ पटेल भी होगा, कुशवाहा भी होगा, चौहान भी होगा, राजभर भी होगा, मुसलमान भी होगा, 20 डिप्टी CM 20 जाति का। और सबसे मजे की बात, हम लोग सरकार बना करके उत्तर प्रदेश में हमारे 5ों CM जो होंगे 5 साल घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ़ करेंगे, हम गरीबों का इलाज 5 साल फ्री करेंगे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा देंगे। प्रसपा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव यूपी चुनाव 2022 के मद्देनजर पूरे राज्य में सामाजिक परिवर्तन रथ निकालेंगे। ये रथ पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। सैफई स्थित SS मेमोरियल स्कूल परिसर के अंदर ये रथ कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। इसकी फोटो बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। बाहर की ओर मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य, जनेश्वर मिश्र, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह समेत कई समाजवादियों की तस्वीर लगी है और भीतर से ये रथ कैसी दिखती है वो भी तस्वीर दिखाई दे रही है।